किसी भी मंत्री के बेटा को फौज की नौकरी करते हुए नहीं देखा होगा, किसी भी बिजनेसमैन के बेटा को फौज की नौकरी करते हुए नहीं देखा होगा। फौज की नौकरी कौन करते हैं? सिपाही में भर्ती कौन होते हैं? बेल्ट की नौकरी कौन करते हैं? जो किसान के बच्चे होते हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो इस देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाते हैं। बाप मरे खेत में और बेटा शहीद हो सीमा पर। और इसीलिए कि ये जो आम लोग हैं उनके हक अधिकार की बात नहीं हो, इसीलिए देश में बार बार धर्म का सगुफा छोड़ा जाता है, हिंदू और मुसलमान किया जाता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि एनआरसी एनपीआर सीए के नाम पर एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेत में मर रहे हैं किसान, सीमा पर शहीद हो रहे हैं जवान। जिसने बेच दिया है अपना ईमान, वही टीवी में बैठ करके करता है हिंदू और मुसलमान। और ये साजिश हम तमाम लोगों को समझना होगा कि ऐसी कैसी परिस्थिति पैदा हुई है कि देश एनआरसी पर बहस कर रहा है। हुआ ये है कि देश का गृह मंत्री ने देश के वित्त मंत्री को बोला कि हम आपको एनआरसी का कवर देते हैं, आप एलआईसी बेच दीजिए। जब देश एनआरसी के बहस में लगा हुआ है, उस वक्त एलआईसी बिक रहा है।